जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, वो क्लासेस आप लगातार देखते रहें। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे जिसके ऊपर आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स हर एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन पक्का ही आता है। एक नया कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और आज की क्लास में एक वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते रहिए आज की क्लास पूरी, लास्ट तक, एंड तक आप क्लास देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज मैथ के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट। आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखे होंगे कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, फिर वो संख्याओं के बारे में पूछा जाता है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या या बीच की संख्या, ठीक है। पांच संख्याएं दी जाती हैं या विषम संख्या, सम संख्या। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखता हूँ कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 27 है, ठीक है। इसके ऊपर हम डिपेंड डाटा है हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, या फिर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। बीच की संख्या भी पूछी जा सकती है, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नेवी, एयरफोर्स वगैरह में, आर्मी वगैरह में, हर चीज जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके बेसिक तरीका भी होता है, और आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे हमें बेसिक तरीका टाइम ना लगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक आना जरूरी है, ठीक है, बेसिक के बिना कुछ नहीं है। तो बेसिक तरीका क्या है, आप करते आए होंगे, आपने किया होगा। सबसे पहले बात पढ़ो एक क्वेश्चन क्रमागत। क्रमागत का क्या अर्थ होता है? क्रमागत मतलब होता है लगातार। कि अगर क्रमागत की बात करूं कि संख्या कोई 21 है, क्रमागत मतलब लगातार 21 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है? 22। 22 के बाद कौन सी संख्या आती है? 23। मतलब एक का अंतर है दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच भी एक का अंतर है, मतलब क्रम इनका एक एक का अंतर कैसे चल रहा है, ये होती है क्रमागत संख्याएं, ठीक है। ये तो देखो एक एक का अंतर से चल रहा है। या फिर अगर बात करूं मैं यहीं से 22 लिया, 22 उठाया, उसके बाद 23 आना चाहिए था, लेकिन 23 आकर ना आकर क्या आएगा, सीधा 24 आ जाता है। 24 के बाद 26, 26 आ जाता है, इस प्रकार चल रहा है। इसका मतलब देखो अब इनमें क्या है, दो दो का अंतर है, इन दोनों के बीच भी दो दो का अंतर, मतलब ये भी एक क्रम चल रहा है। अंतर दो का है, क्रम चल रहा है, एक का है, क्रम चल रहा है, पांच का हो तो भी क्रम, लेकिन क्रमागत मतलब क्रम से चलना चाहिए। इस ये तो होता है क्रमागत, ठीक है। अब ये बोल रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग, कहने का मतलब संख्याएं जो है वो तीन है, ठीक है, तीन संख्याएं और उनका योग कितना है? 27 है। तो बेसिक तरीके से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखो हम एक संख्या को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स माना पहली संख्या। अब देखो दूसरी संख्या फिर क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया, एक संख्या के बाद जस्ट दूसरी संख्या, तो मतलब एक का अंतर एक जुड़ेगा, तो x के अंदर मैं एक जोड़ू तो ये दूसरी संख्या हुई या नहीं हुई, पहली संख्या x हो गई हमारी, दूसरी संख्या x प्लस वन हो गई, ठीक है। तीसरी संख्या के लिए क्या करना होगा, x प्लस टू, इसका मतलब ये तीसरी संख्या हो गई। अब देखो यहाँ आठ है, फिर इसमें आठ में एक जोड़ा तो मैंने नौ, नौ में फिर कितना जोड़ू, 9 में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, लेकिन x जो है वो तो 8 है, तो 8 में तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए तीसरी संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। ये हमने x मान लिया, इसका तो अब ये तीनों संख्याएं आ गई। अब इन तीनों संख्याओं का योग, क्वेश्चन से संख्याओं का योग, x पहली संख्या, x प्लस वन दूसरी संख्या, और x प्लस टू तीसरी संख्या, ये दो को तीनों संख्या, इन दो तीनों को हम जोड़ते हैं दो, तो क्या 27 इसका योग होता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तक हम चल रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो जोड़ो इनको, अगर मैं जोड़ू एक दो तीन, तीन एक्स तो ये हो गई, ठीक है, दो और एक तीन, ये इक्वेशन बन रही या नहीं बन रही, ठीक है। फिर देखो तीन एक्स यहां से क्या निकल कर आएगा, 27 में से 3 माइनस होगा तो
24। एक्स का मान क्या आएगा? आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक तरीके से एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, आप नोट कर लें। हमें ये स्टेप लगाना नहीं है, सीधा करना है, ठीक है। तो एक्स का मान क्या आएगा यहां से? 8। एक्स का मान आ गया 8। तो देखो एक्स का मान 8 आ गया, और एक्स को हमने क्या मान रखा था? ये देखो एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली जो संख्या है हमारी 8, जिसे हमें पहली संख्या x माना है, उसका मान 8 होगा, ठीक है। फिर दूसरी संख्या 8 में हमें एक जोड़ना है, तो दूसरी संख्या 9 होगी, और तीसरी संख्या 10 होगी। अब देखो 8, 9, 10, तीनों संख्या आ गई हमारे पास। अब ये बोल रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27 ही तो आता है। अब देखो पहली संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 8, तो पहले का आंसर 8 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 10, तो दूसरे का आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। बीच की संख्या 9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों, बेसिक तरीके से हम करते हैं तो हमें x मानना पड़ता है एक संख्या को, ठीक है। फिर जिस हिसाब से तीन संख्याएं, चार संख्याएं, हमें वो संख्याएं बनानी पड़ती है x को लेकर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन से x का मान निकालते हैं और वह संख्या इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। ये तो था बेसिक तरीका। जब भी आपको कोई ट्रिक याद ना रहे, ये हमें लगाना ही लगाना है। अब देखते हैं हम दूसरी ट्रिक, देखते हैं ऐसे ही सीधा हमें क्या करते हैं ट्रिक क्या है इसकी, के तीन संख्याओं का योग है कितना है? 27 है। 27 योग है तीन संख्याओं का, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, जो योग है, ठीक है, योग उसमें भाग दे देंगे हम संख्या का, जितनी भी संख्या है। यहां में तीन संख्या दी गई है तो हम तीन का देंगे। क्वेश्चन में अगर 5 हो 7 हो कितना भी हो हम देंगे, एवरेज भी हम जिसे कहते हैं, औसत। ये हम आगे क्लास में पूरा टॉपिक करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन संख्याओं का योग बटा संख्या, आपने सुना होगा फॉर्मूला, वह औसत का ही होता है, तो ये भी एक औसत ही निकल कर आता है, ठीक है। यहां से देखो क्या आया, 9। ये जो 9 आता है, ठीक है, या फिर यहां जो भी संख्या आती है, संख्या में जितनी संख्याएं हैं उसका भाग देने पर जो संख्याएं आती हैं, वह संख्या हमेशा बीच की संख्या होती है। औसत जो होता है बीच का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 जो है बीच की संख्या है, ठीक है। अब देखो तीन संख्याएं थी, इसमें से एक संख्या तो हमें मिल गई 9, ठीक है। अब एक संख्या पहले और एक संख्या बाद में, क्रमागत है क्योंकि अब बीच की मिली है, तो इससे ऊपर 8 होगा और इसके नीचे 10 होगा। यही वो तीनों संख्याएं हमने बेसिक तरीके से x मानकर निकाली थी। वो झमेला कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ ट्रिक लगाई है, योग के अंदर जितनी संख्याएं हैं उसमें भाग लगाते हैं, बीच जो निकल कर आती है वो हमेशा बीच की संख्या निकल कर आती है, और हम उसके आगे पीछे संख्या लिखने पर तीन क्रमागत संख्याएं हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, जब भी आपको प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में लिखे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि आगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलते रहें। चलो हम दूसरा एग्जांपल ऐसा देखते हैं और सब अच्छे से समझने के लिए, कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 250 है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या तीनों का गुणनफल कुछ भी। चलो मैं यहां पे लिखता हूं सबसे बड़ी संख्या, ताकि आपका क्वेश्चन पूरा रहे, नोट करने में आसानी रहे। सबसे बड़ी संख्या पांच क्रमागत संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो अब देखो हमें बेसिक तरीके से कराने की आपको जरूरत नहीं है, आपने पहले क्वेश्चन में आपको सीख चुके हैं, सीधा हम करते हैं इसको ट्रिक से। तो देखिए क्या करना है, इसके अंदर वही कि 5 संख्याओं का योग है 250 है, बस ध्यान ये रहे कि वो 5 संख्याएं क्रमागत है, क्रम के अनुसार आगे से आगे एक है, जिसका अंतर 1 चल रहा है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, यहां पर 250 में हम 5 का भाग लगा देंगे, ठीक है। कितना आया, 50।
ठीक है, मैंने आपको बताया था ये भाग लगाने पर औसत निकल कर आता है। ठीक है, आपको औसत के बारे में नॉलेज नहीं है, हम करेंगे क्लास में, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है अभी, ये समझो कि बीच की जो संख्या है निकल कर आती है, भाग लगाने पर संख्या निकल कर आती है बीच की। इसका मतलब देखो, एक संख्या है तो हमें मिल गई, टोटल संख्या थी 5, ठीक है, इसका मतलब 4 संख्याएं बच गई, और ये मैंने बताया कि संख्या बीच की होती है, तो इसके बाद 2 संख्याएं आएंगी, तो 51, 52, इसके पहले भी 2 संख्याएं आएंगी, 49 और 48। ठीक है, अब देखो ये 5 संख्याएं हो गई, 5 संख्याएं भी हो गई, क्रमागत होनी चाहिए 48, 49, 50, 51, 52 क्रमागत भी हो गई। ठीक है, इनका हम योग करते हैं तो 250 आता है, 250 ही आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, 52, सबसे छोटी संख्या पूछे तो 48, बीच की पूछे तो 50, कुछ भी पूछे हम अब निकाल सकते हैं। हमारे क्वेश्चन से हम डाटा निकाल कर ले आए हैं, सिर्फ एक ट्रिक से क्या करना है, जितना हमें योग दिया होता है उसमें हम जितनी संख्याएं हैं उसका भाग लगाते हैं तो निकल कर आता है एक छोटी संख्या। ठीक है, अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो संख्याएं हैं बीच की निकल कर आ गई, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, ठीक है, या फिर हम 3 की बात की थी तो 1 आगे 1 पीछे, लेकिन अगर संख्या बीच में ना हो तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं अभी। जब तक हम आपके साथ हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको सिर्फ डाटा चेंज हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं, आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें आप बीच वाला जो क्वेश्चन माइंड में पैदा हो रहा था वो खत्म हो जाए, कि 4 संख्याओं का, 4 कर्मागत संख्याओं का कर्मागत जरूर मिलेंगी, 4 कर्मागत संख्याओं का योग 166 है। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही आपको पहले जो मैंने आपको बताया है वो लगाओ, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां देखते हैं। अब देखो 4 कर्मागत संख्याएं हैं, इनका योग 166 है, 166 है, तो हमें क्या करना था, 166 में हम भाग लगाएंगे किसका, 4 का, 4 का भाग लगाया, लगाओ 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1.5, 41.5 ये निकल कर आया है। तो मैंने आपको क्या बताया था उसमें, कि जो भी निकल कर आता है वो संख्या बीच की होती है। अब देखो आप कंफ्यूज ये हाँ हो रहे हैं कि आगे कैसे जाएं पीछे कैसे जाएं, तो देखो सबसे पहले संख्याएं कितनी है, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जो निकल कर आता है, एवरेज निकल के आता है, ये बीच की संख्या होती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्याएं तो यहाँ की है 41.5, 41.5, ये संख्या तो ये निकल कर आई। अब ये बोल रहा है 4 कर्मागत संख्याओं का योग, कर्मागत मतलब हमें कर्म से आगे बढ़ना है, तो यहाँ देखो 41.5 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पॉइंट में है, यहाँ भी पॉइंट में, लेकिन इससे ठीक आगे जस्ट कौन सा होगा, 42, इससे ठीक पीछे 41, और यहाँ 40, और यहाँ 43। ठीक है, अब देखो ये जो था मैंने कहा आपको बीच का है, क्या दिक्कत है, बीच की संख्या है इससे हमें मतलब ही नहीं है, लेकिन हमें तो इसके आगे पीछे क्रम से पूरा पूर्णांक संख्या में जाना है, बिना पॉइंटों में रखना है। ठीक है, तो ये आपको पूरी संख्या जो है, पूरी पूरी संख्या 4 ये मिलेगी। अब देखो 4 कर्मागत संख्याओं का योग, तो वह 4 कर्मागत संख्याएं यही हैं, 40, 41, 42, 43, यही 4 संख्याएं हैं जिनका योग 166 है। और अब देखो हमें सबसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 40 होगी, हमारा आंसर क्या रहेगा, 40। ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जिन सवालों में बीच में एकदम ना निकले संख्या तो क्या जरूरी है, ये संख्या हमें माननी जरूर थोड़ी है, निकल कर आया है इसका मतलब एवरेज है, ये बीच की संख्या है। ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, चलो बहुत अच्छा। अब इसी में कर्मागत संख्याओं वाले क्वेश्चनों में एक सम और विषम का एक क्वेश्चन जरूर अलग से आता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा एक अलग माइंड लगाना है,
ठीक है। सम और विषम मैंने आपको पहली क्लास में नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किया था मैंने बताया है, सम संख्या वह होती है जिसमें दो का भाग जाता है, विषम संख्याएं वह होती है जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, पांच क्रमागत संख्याओं का, पांच क्रमागत, अब यहां क्वेश्चन में क्रमागत तो है, इसके साथ आपको एक वर्ड दूसरा मिलेगा सम या विषम का। जैसे यहां मैं बोलता हूं कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 120 है, देन तो सबसे बड़ी संख्या, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। हमने जो दो से तीन क्वेश्चन पहले किए हैं और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, सिर्फ एक वर्ड का ये फर्क है, यहां पे हमें सम मिला है, क्रमागत मैंने आपको बताया ही था, सब कुछ वही चीज है, ठीक है। तो अब देखें, मैंने सबसे पहले क्या किया था कि भाई पांच क्रमागत संख्याओं का योग है कितना है, 120 है, ठीक है, यह स्टेप पहली थी। फिर 120 में क्या किया था, पांच का भाग लगाया था, ठीक है, तो कितना आया, 24, 24 हमारा आ गया। मैंने ये बताया था कि जो भी यहाँ निकल कर आता है एवरेज, ये संख्या बीच की होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पांच क्रमागत संख्याएं थी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच संख्याएं यहाँ पर थी, इसमें से बीच की जो संख्या है वो तो निकल कर आ गई, मतलब दो इधर छोड़ देते हैं, दो इधर छोड़ देते हैं, ये लो बीच वाली संख्या तो आ गई। अब हमें यहाँ क्या भरना है, आगे कैसे जाना है, पिछली क्लासों में, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ पर 24 के बाद 25 किया, 26 किया, लेकिन एक ये वर्ड के कारण सम संख्याओं का योग, इस वर्ड के कारण हम 24 से सीधा 25 पर ना जाकर 24 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो सम होती है, 26, 26 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होती है, तो 28, 28, इसी प्रकार 24 से पहले 22 और 22 से पहले 20, ठीक है। अब भी हम बीच में हैं, वो संख्याएं हैं, यहाँ 21 है, यहाँ पर 23 है, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, यहाँ 25 है, यहाँ 27 है, ठीक है, हमें इनसे मतलब नहीं है, यहाँ सम संख्याएं लिखी थी, तो ये क्रमागत संख्याएं भी हैं और सम संख्याएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सबका दो दो है, इसलिए ये क्रमागत भी है। तो अब देखो पाँच संख्याएं हमें मिल चुकी है और इनका योग जो है, ये जो पाँच संख्याएं इनका योग भी 120 है, ठीक है। अब मिल गई पांच संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 28, तो हमारा आंसर क्या होगा, 28, ठीक है। सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, बीच की संख्या पूछ सकता है, स्टार्टिंग की दो संख्याओं का गुणनफल पूछ सकता है, लास्ट की दो संख्याओं का योग पूछ सकता है, क्वेश्चन हमारे कुछ पूछे, लेकिन इसी डाटा पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये था सम संख्याएं जब हमें पूछ ली जाती है, ध्यान रहे यहां क्रमागत जो वर्ड है ये हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा, उसके बिना हमें क्या पता कि हम कितना आगे जाएं। 24 के बाद सम संख्या दूसरी लेनी है, लेकिन 24 के बाद 26 ही क्यों ले, 30 क्यों ना ले, ये इसका यही मीनिंग है क्रमागत का, ठीक है। हमें कूद कर नहीं जाना है, क्रमागत मतलब कर्म से जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो और लेते हैं कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 32, ठीक है। तो फिर सबसे छोटी संख्या सबसे बताना है, वही क्या करना है हमें लगाना है। पहली स्टेप क्या थी कि योग 132 है, संख्याएं चार है, ठीक है, योग 132 है, संख्याएं चार है, तो ये क्या निकल कर आया, 33 निकल कर आया, 33। अब देखो चार संख्याएं हैं, 33 इसमें से एक संख्या बीच वाली हमें मिल गई, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, 33 तो देखो विषम संख्या है ना, जबकि हमें चाहिए सम संख्या, तो देखो 1, 2, 3, 4, यही वही एक कंफ्यूजन वाला कि बीच का संख्या ना मिले तो, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ मिली है बीच की संख्या, ये 33। तो 33 के जस्ट बाद हम जाएं, लेकिन जाना कहाँ है, सम संख्या पर, हमें सम संख्या ही लेनी है, तो सम संख्या 34, इससे आगे 36,
इससे पहले 32 और इससे पहले 30। अब देखो ये सारी सम संख्याएं हैं, 3, 4, ये चार संख्याएं हमें लेनी है। 33 से हमें मतलब नहीं है, ये हमारा औसत निकल कर आया है इन संख्याओं को लेने के लिए, ठीक है। तो यह वह चार संख्याएं हैं जिनका सम 132 है, जिनका योग 132 है। तो सबसे छोटी संख्या 30, आंसर क्या होगा 30। समझ में आ रहा है आप सभी को? सेम क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे मिलेंगे, सिर्फ अंकों को चेंज किया जाएगा। और एक बात और, हाँ, जैसे यहाँ 132 120 आ रहे हैं, ये संख्याओं से कटने वाली ही संख्या मिलेगी। जैसे जितनी संख्या दे दी, 4 दी 5 दी, ये कटने वाला ही संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन विषम वाला और ले देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग 275 है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, छोटी संख्या बताएं। हालांकि इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, यहां से 4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, 5 निकल कर आ रहे हैं, मैं आपको सभी बता रहा हूं, छोटी संख्या बताएं, ठीक है। अब हमें ध्यान यहां इस क्वेश्चन में अलग क्या देना है, यहां सिर्फ हमें ध्यान देना है विषम पर, ठीक है। विषम के साथ देखो एक वर्ड यहां छूट गया, वो कर्मागत, यही तो मेन है। कर्मागत भी आ सकता है या फिर एक वर्ड यह आ सकता है लगातार, लगातार या कर्मागत एक ही बात है, ठीक है। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि कर्मागत बताया था लेकिन यहां लगातार आ रहा है, तो लगातार और कर्मागत का एक ही मीनिंग है। तो अब देखो सबसे पहली वही स्टेप कि 5 जो संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है 275, ठीक है। तो फिर दूसरा स्टेप, 5 का भाग लगाते हैं, कितना आता है 55। अब मैंने ये क्या बताया था कि ये जो संख्या आई है बीच की आई है, लेकिन ये विषम आई है, ठीक है। तो चाहिए क्या, विषम ही चाहिए, सही है एकदम, हमें आगे पीछे जाने की आसानी होगी। ये बीच की संख्या है एक, 55 आ गई, विषम संख्या भी आ गई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे जाना है कितना, 2, क्योंकि 5 संख्याएं बनानी है, ये लो 5 बनी। तो 55 से ठीक आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम है, तो 56 तो सम है, इसके बाद 57, फिर 58 को छोड़कर 59, 59। इसी प्रकार पीछे हम आते हैं तो 53 और 51, कितनी संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। पूछा कितना था, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका योग भी 275 है, आप योग करके देख लेना। इस डाटा पर कुछ भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, हमें क्या पूछा है, छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या सबसे छोटी 51। तो ये था दोस्तों एक कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आर्मी के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखो यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ आज एक वीडियो में, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आपका चैनल आपके साथ है, तो आप भी अपना प्यार बनाए रखें, तब तक के लिए बने रहिए तरुणा डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।